हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो मोटिवेट करेगा आपको, अंदर से ही मोटिवेट करेगा, इनर इंस्पिरेशन क्रिएट करेगा आपके एक्शंस लेने में। कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम शुरू कर देते हैं किसी से प्रभावित होके, किसी से एक्साइटमेंट में आके, किसी से इंस्पायर होके, राइट, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी वो काम की स्पीड, पेस कम होती जाती है। उस काम के लिए हम प्लानिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार हम प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, बाद में करेंगे, फिर करेंगे, आज टाइम नहीं है, फिर कभी होगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा दूसरा काम इम्पॉर्टेंट है। खास करके जो घर की लेडीज़ है जो साथ साथ दूसरा भी काम करती है, कुछ वर्क फ्रॉम होम या MLM मार्केटिंग, वो कुछ अपना प्लानिंग करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा कि अरे घर का काम इम्पॉर्टेंट है, ये करने के बाद मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमने जो काम शुरू किया है उसका मोटिवेशन गिरता जाता है। तो वो मोटिवेशन को हम बरकरार कैसे रखें, उस मोटिवेशन को हमारे अंदर जगाए कैसे रखें, वो आग जो है, जिस आग से जिस इंस्पिरेशन से हमने प्रभावित होके ये मोटिवेटिंग एक्ट किया था, उसको हम जिंदा कैसे रखें, उसकी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक मैं इधर शेयर करने वाला हूँ। तो टेक्निक एकदम ध्यान से समझिए। जब भी आप किसी भी चीज़ को प्रोकास्टिनेट करते हो या उसको ऐसा कहते हो बाद में करेंगे, कल सुबह जल्दी नहीं उठा जाएगा, या तो सुबह जल्दी उठने के बाद फिर से बेड में चले जाते हो कि अरे फिर कभी कर लेंगे, आज एक्सरसाइज नहीं करनी है, आज प्लानिंग नहीं करना है, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, जब भी आपके माइंड में ऐसी बात आ रही है कल करेंगे, अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछो कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया था, ऐसी तो क्या वजह है जिस वजह से मैंने ये काम शुरू किया था। उस सवाल को पूछो। उस सवाल पूछते ही आपके माइंड में एक इमेज आ जाएगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगी, एक प्रॉब्लम की इमेज आ जाएगी, एक फियर भी आ सकता है, एक मोटिवेशन भी आ सकता है। हम फियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम शुरू किया जिससे कि आप अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हो, तो एक फियर आ जाएगा कि मेरे घर का प्रॉब्लम है, मेरे घर में पैसों का प्रॉब्लम है, ये पैसों का प्रॉब्लम मैं सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस चीज़ को 2-3 बार सोचो, समझो कि अगर ये काम मैंने टाइम टू टाइम कंप्लीट कर दिया तो मेरी आर्थिक परिस्थिति सुधरती जाएगी। एक पॉजिटिव पिक्चर फॉर फ्यू सेकेंड्स अपने माइंड में लाओ। ये आपकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने कोई नया काम क्यों शुरू किया। या तो कुछ लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, लेकिन उसको भी प्रोकास्टिनेट करते हैं। पूछिए अपने आप से कि ये काम मैंने क्यों शुरू किया, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। क्यों अपने आप को हेल्दी रखना है? क्योंकि आगे जाके फ्यूचर लाइफ में मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरे हाथ पैर चलते रहे। तो देखिए अपने आप को एक फ्यूचर लाइफ में हेल्दी इंसान की तरह देखिए। वो चीज़ आपको अंदर से ही मोटिवेट करेगी, अंदर से ही पुश करेगी वो काम करने के लिए। मेरा ये कहना है कि आप जो भी काम करते हो उसके साथ एक वजह हमेशा जुड़ी होती है, उस वजह को भूलना नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको किसी भी काम करने में कंटाला आ रहा है, यानी आप उस चीज़ को भूल मत जाओ, उसको ध्यान में रखो, माइंड में रखो और वो काम कंटिन्यू करो, उसको प्रैक्टिस में रखो। जैसे ही आपको लगे कि अरे ये काम मुझे कल करना है, परसों करना है, होता रहेगा, तुरंत ही वो वजह याद करो कि आपने वो काम क्यों शुरू किया था। जैसे ही वो वजह, वो इमेज आपके माइंड में आ जाएगी, आपका इनर मोटिवेशन एक्टिवेट हो जाएगा और आपको वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। पहले आपके पास हज़ार बहाने थे कि आप वो काम नहीं करेंगे, अब आपके पास एक लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वो आप काम कंप्लीट कर ही दोगे विदाउट फेल, राइट? तो सिंपल सा पॉइंट है, जब भी आपको प्रोकास्टिनेट करने का मन करे, जब भी आपका मन अटके, तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि ये काम मैंने शुरू क्यों किया था। अपने आप वो आग वापस आ जाएगी, राइट? थैंक यू। तो ऐसी ही कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन टेक्निक के लिए मेरे चैनल के साथ मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारे दूसरे भी वीडियोस है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन है। स्टे विथ मी, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी। थैंक यू।